चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। यहाँ पे दो फंक्शन आपके पास है, एक्स है और साइन इनवर्स एक्स है। दोनों ही अलग नेचर के हैं। पहला एलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एलजेब्रिक फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और एलजेब्रिक फंक्शन सिक्वेंस में बाद में आता है। इसका मतलब कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे हम फर्स्ट एज्यूम करेंगे और इसको क्या एज्यूम करेंगे, सेकेंड एज्यूम करेंगे। अच्छा, पहले सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व होना चाहिए था कि ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, एक एलजेब्रिक है दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका मतलब हमें बाई पार्ट से इस क्वेश्चन को प्रोसीड करना पड़ेगा। खैर, और बाई पार्ट से जब भी अप्लाई करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन क्या और सेकेंड फंक्शन क्या। फिर ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं बाई पार्ट का। फर्स्ट दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट मीन्स एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन दैट मीन्स साइन इनवर्स एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी एक्स। सेकेंड मतलब एक्स हो गया। आप एक बार आराम से फॉर्मूला लिख लिया करिए, उसके बाद फिर वैल्यू प्लेस करिए और थोड़ी सी पेशेंस रखिए। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आंसर तो आएगा ही अगर आप घबराएंगे नहीं तो। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड होता है स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला इंटीग्रल तो सॉल्व हो गया लेकिन यहाँ पे एक इंटीग्रल बच गया है, उसको ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस कॉन्स्टेंट को पहले तो बाहर ले लेते हैं वन बाई टू, और एक काम और करते हैं ये माइनस अंदर ले लेते हैं ना, तो माइनस अंदर लोगे तो एक तरह से ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर है न्यूमरेटर में, और जब माइनस अंदर लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो नीचे आपका स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो वन माइनस एक्स स्क्वायर है आप यहाँ भी वन माइनस एक्स स्क्वायर बना सकते हो ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वन ऐड कर लेते हैं एक तरह से और वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब एक्सप्रेशन में कोई हमने सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया, सिर्फ शक्ल चेंज की। तो इस चीज़ को आप सॉल्व करते हैं, वन बाई टू ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और इसे दो इंटीग्रल में ब्रेक कर देते हैं, एक यहाँ से एक इंटीग्रल अलग ब्रेक कर देंगे, यहाँ से अलग ब्रेक कर देंगे। इसके नीचे डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये कॉपी तो करना ही पड़ेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ अगर हम रेशनलाइज कर लें या यूँ समझ लें कि रूट एक्स एक्स अपॉन रूट एक्स है ना, और रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, रूट एक्स एक्स का मतलब हुआ रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ऐसे समझ सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ जो भी क्वांटिटी है ना, यहाँ एक्स होता वाई होता ए होता बी होता कुछ भी होता। इसका मतलब ये चीज़ सिंप्लीफाई करके आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, हम इसी स्टेप में कर दे रहे हैं, ये बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। और दोनों ही इंटीग्रल आपके स्टैंडर्ड है, सीधे फार्मूला याद होना चाहिए। इसके लिए क्या याद होना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वन बाई टू। अदरवाइज ये आप सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, फॉर्मूला आपको याद ही होना चाहिए। तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स बाई ए, मतलब वन है। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, ये तो इसका इंटीग्रल हमने प्लेस किया है, इसके बाद फिर इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, ये साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पे वन बाई टू ए भी आता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो आपका क्या बचा, ये देखिए लाइक टर्म्स हो गए, साइन इनवर्स वाले दोनों टर्म हैं, यहाँ कोफिशियंट हाफ है यहाँ माइनस वन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस हाफ। आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा, हमारे पास स्पेस कम है दिखाने के लिए, तो ये माइनस हाफ, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अब कुछ जैसे ये वाला टर्म हो गया साइन इनवर्स का है, ये वाला टर्म साइन इनवर्स का है,
इसके कोफिशेंट हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास साइन इनवर्स एक्स का जो कोफिशेंट हो गया, साइन इनवर्स एक्स क्या कोफिशेंट हो गया, एक्स स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से क्या आएगा आपका 1/2, अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 1/4 हो जाएगा और ये माइनस, तो -1/4, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी क्या बचा, जो साइन इनवर्स वाला टर्म नहीं है ये वाला टर्म बचा, इसको आप क्या लिखेंगे, 1/4 एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x²। अच्छा, यहाँ पे जब इंटीग्रेट कर दिया तो हमें इंडेफिनिट कांस्टेंट c ऐड करना चाहिए, जब भी इंटीग्रल हटाते हो उसी समय इंडेफिनिट कांस्टेंट ऐड कर दिया करो। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 हो गया, तो वो सिंगल डिनोमिनेटर हम लोग 4 कर देते हैं, तो नीचे से सिंगल डिनोमिनेटर आपका क्या हो गया, 4 हो गया, तो 2x²-1/4, और ये जो भी है दैट इज़ योर फाइनल आंसर।